फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है। किसी श्रोता ने हमसे पूछा है कि अगर हमारी जीवन और मृत्यु दोनों ही भगवान के हाथों में है, तो ऐसा क्यों कि अगर कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है तो उसे गति नहीं मिलती? ऐसा क्या कारण है और क्या ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इंसान जब आत्महत्या करने का मन बना लेता है तो क्या भगवान उसे उस समय कुछ याद दिलाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं? ऐसा कोई तंत्र है जिससे कि उसे रोकने की कोशिश की जाती है और वो उसे नहीं मानता, शायद उसी वजह से उसे गति नहीं मिलती? आखिर ये अकाल मृत्यु का रहस्य क्या है? चलिए इसी सवाल के ऊपर हम आते हैं, आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे पास एक सज्जन आए जिन्होंने आकर मुझे अपनी आपबीती बताई और बताया कि उनके पड़ोस में एक 22 साल के लड़के ने, जी हाँ, सिर्फ 22 साल के लड़के ने अपने गले में फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। अब वो लड़का उनके सपनों में रोज आए दिन उनके सपनों में आता है और उन्हें परेशान करता है। एक्चुअली वो खुद परेशान है, शायद इसी वजह से ये भी परेशान होते हैं। उनका कहना ये था कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जब उसने वो आत्महत्या की तो क्या उसे गति नहीं मिली? तो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को गति क्यों नहीं मिलती, ये समझाने के लिए मैं आपको एक किस्से के बारे में बताना चाहूंगा। हुआ कुछ यूं कि मेरे पास कुछ समय पहले एक सज्जन आए ने अपनी मृत्यु होते हुए देखा। उन्होंने महसूस किया कि उस सामने उनका एक शरीर पड़ा हुआ है और कोई आत्मा उसके अंदर बार बार प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। वो आत्मा रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस आत्मा ने देखा कि उसे सिर्फ एक और आत्मा है जो सुन सकती है और वो उसी के साथ बैठी हुई है। ये देखकर वो विचलित तो हुई कि ये कौन सी आत्मा है, पर उसके बारे में उसने कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उस समय उसका फोकस जो था वो शरीर पर था कि मैं कैसे शरीर में वापस जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस शरीर को जला दें और फिर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ना बचे, पता नहीं कहां कहां मुझे भटकना पड़ जाएगा, कहां कहां मुझे जाना पड़ेगा, किस किस से मुझे पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, पर मेरे पास शायद इस चीज का कोई जवाब नहीं होगा। तो वो आत्मा इतनी विचलित थी, इतनी परेशान थी कि बस उसका रोना छूटे जा रहा था और वो हर समय सिर्फ उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, चीखे जा रही थी कि प्लीज इस शरीर को मत जलाओ, इस शरीर को मत जलाओ, ये शरीर नहीं, ये मेरा घर है, अगर ये चला गया तो मैं कहां जाऊं। इतनी गुहार के बाद भी उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता सिवाय उस दूसरी परछाई के, उस दूसरी आत्मा के, और सभी के सभी उस शरीर को जलाकर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। उसके बाद वो आत्मा रोती रहती है, चीखती रहती है, पुकारती रहती है कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, मेरा तो घर ही चल गया, मेरा शरीर चल गया, अब मैं कहां जाऊं। और ऐसे ही रोते चिल्लाते वो दूसरी आत्मा से पूछती है कि ये तो मेरा शरीर था, मेरा घर था जहां से मैं बाहर हूं, अब वो जल गया, तुम यहां पर कौन हो, कौन हो तुम, तुम्हारे शरीर से क्या संबंध, तुम्हारा मेरे साथ क्या संबंध जो तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो और कोई नहीं। ऐसे में दूसरी आत्मा ने उसे जवाब दिया कि ये मेरा भी तो शरीर था, ऐसा सब करने से पहले मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, पर तुम्ही ने मेरी इस चेतावनी को सुना अनसुना कर दिया और देखो हम दोनों का घर जल गया है, हम दोनों ही इस घर से बेघर हो गए हैं, हम दोनों ही इस घर से बाहर हैं। यही सब सुनते सुनते, यही सब देखते देखते वो जो सज्जन मेरे पास आए थे उनकी नींद खुल जाती है। जब उनकी नींद खुल जाती है तो बहुत ही असमंजस में की स्थिति में होते हैं, सीधा उठते ही भगवान के चरणों में जाके माथा टेकते हैं और सिर्फ सोचने पड़ जाते हैं कि ऐसा मैंने क्या देखा, ऐसा मैंने क्यों देखा और इसका मतलब क्या था, क्या था इसका मतलब। यही सवाल लेकर वो सज्जन मेरे पास आते हैं, वो मुझे आकर अपना पूरा किस्सा बताते हैं, पूरे सपने के बारे में पूरा ब्यौरा देते हैं और उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि अगर वो एक आत्मा मेरा मन थी, मेरी चेतना थी, वो दूसरी आत्मा क्या थी, क्या थी वो दूसरी आत्मा जो मुझे सुन पा रही थी, मेरी आत्मा की आवाज सुन पा रही थी, उसका रोना धोना समझ पा रही थी और कोई नहीं समझ पा रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शरीर में दो आत्माएं हो, कैसा हो सकता है?
देखिए इस सब के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी मैंने आज तक किताबें पढ़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस सब के बेसिस पे मैंने उन्हें जो जवाब दिया वो ये था कि वो पहली चीज तो तुम्हारी आत्मा ही थी, तुम्हारा मन था, और जो दूसरी परछाई थी जो तुम्हें सुन पा रही थी या तुम्हारी आत्मा की आवाज सुन पा रही थी, जो तुम्हें समझ पा रही थी, तुम्हें हर बात का जवाब दे पा रही थी, वो और कुछ नहीं, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा दिमाग था। ब्रह्मा जी ने जब हमें ये विवेक दिया और उसे हमारे शरीर में सबसे ऊपर स्थान दिया, तो उन्होंने यही सोचा कि अब मानव शरीर को इसी का इस्तेमाल कर आगे अपने अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को सुधारना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग हमें चेतावनी जरूर देता है, हमारा दिमाग हमें चेतावनी देता है, हमें समझाता है कि ये गलत है और ये सही है, आगे मर्जी तुम्हारी। अब यहीं से तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है, यहीं से तो हमें पता चलता है कि हमारे मन और हमारे विवेक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहीं से हम पुण्य को कमाते हैं, और अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसी 22 साल के बच्चे की जिसने आत्महत्या की थी। अब क्योंकि उस समय जब उस बच्चे ने आत्महत्या की तो उसने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए उसकी आत्मा प्रेत लोक में भटक रही है और उसे मुक्ति यानी कि गति प्राप्त नहीं हुई। यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे हमें समझना चाहिए। अकाल मृत्यु का रहस्य इसी बात में छुपा हुआ है कि हमें हमेशा अपनी चेतना, अपनी आत्मा और अपने विवेक से काम लेना है और उसी के बेसिस पे सही डिसीजन लेने हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक जुड़े ना हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।